प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दलित समाज के अपमान के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी घेरा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के अपमान का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने इस दौरान आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने दलित समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को भी घेरा है। राजस्थान के पाली में सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली जिसका प्रयोग सामान्य नागरिक बातचीत में भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने विधानसभा में ये सब बातें कही। उन्होंने तो पाप, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता के मुँह से इसके विरोध में एक भी शब्द नहीं निकला। जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति बंधन नियम पारित हुआ है, तब से उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की हैं।